हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम कीवर्ड्स की कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर के फील्ड में हैं या फिर हर रोज कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो इस कीज के बारे में, इसके जो नाम है उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वाली जो की है, इसको हम बेसिकली एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जो एक नंबर पर इंसल्ट होती है, और इसको हम बेसिकली शिफ्ट के साथ ही प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो की है उसका नाम है कैरेट, और इसके जो नेक्स्ट वाली की है उसको हम एंड कहते हैं। इसको हम बेसिकली हर लगभग सभी यूज करते हैं, और इसका जो दूसरा नेम है वो है एबरजेंट, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाली जो की है उसको, उसके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं, उसका हम यूजिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसका जो नेम है वो है टिल्डे, TILDA टिल्डे, और इसके साथ वाली जो की है जिसको हम बेसिकली शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, उसका नाम है बैकक्वेट। इसके नेक्स्ट वाली जो कीज है वो है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स फोर टाइप्स की होती हैं, जैसे सबसे पहली जो ब्रैकेट्स आती है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आती है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो होती है वो पैराथेंसिस ब्रैकेट्स हम इसको कहते हैं, और उसके बाद जो ब्रैकेट्स आती हैं वो है एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स भी टू टाइप्स की होती हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। और नेक्स्ट वाली जो कीज़ है इसको हम लगभग सभी यूज़ करते हैं, और इसके नाम भी हम लगभग सभी जानते हैं, जैसे कि सबसे पहली जो की है वो है एट दी रेट। नेक्स्ट वाली जो की है वो है डॉलर, फिर हैश और परसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वाली जो की है वो है स्टार, और इसके जो नेक्स्ट वाली है वो है हाइफन और अंडरस्कोर, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद वाली जो कीज होती है वो है सेमी कॉलन, कॉलन और इन्वर्टेड कॉमास। इसके बाद वाली जो कीज है वो है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेट भी कह देते हैं। और इसको बाद वाली जो कीज है वो है स्लैश। स्लैश टू टाइप्स की होती है, बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, इसके बारे में भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कीज जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए अगर हम कंप्यूटर के फील्ड में हैं या फिर कंप्यूटर में हर अपने ऑफिस में काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।